बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राउंड थ्री का चैप्टर नंबर फाइव जो था उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर फाइव आपका सेल साइकिल के हवाले से था। सेल साइकिल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए कैसे प्रिपेयर करता है। उसमें आपने दो फेज पढ़े थे, एक आपने इंटरफेज पढ़ा था और दूसरा एम फेज पढ़ा था। सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता था, जबकि एम फेज में सेल अपने आप को क्या करता था, डिवाइड करता था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेज है ये बड़ा फेज होता है, जबकि जो एम फेज है ये छोटा होता है। इसमें सेल जाकर एम फेज के अंदर अपने आप को डिवाइड करता है, जबकि इंटरफेज में वो अपने आप को क्या करता है, मुख्तलिफ स्टेप से गुजरने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिसमें जी वन फेज था, जी टू फेज था, एस फेज था। इसके बाद जाकर सेल क्या करता था, अपने आप को डिवाइड करता था। और सेल के अंदर डिवीजन दो तरीकों से होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक माइटोसिस के जरिए होती है, फिर उसमें मियोसिस के जरिए होती है। माइटोसिस में आपने कहा था कि एक सेल अपने आप को दो के अंदर डिवाइड करता है, लेकिन जब एक सेल अपने आप को दो के अंदर माइटोसिस में डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहती है। क्रोमोसोम की तादाद जितना पेरेंट्स के अंदर होती है उतना ही डॉटर के अंदर रहती है। इट्स मीन के क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं होती। और इसके अलावा फिर उसके आपने फेजेस पढ़े थे, प्रोफेज पढ़ा था आपने, जिसमें क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते थे, न्यूक्लियर एनवेलप सपियर होती थी, स्पेंडर फाइबर्स बनते थे, और उसके बाद माइटोसिस मेटाफेज होती थी। मेटाफेज में सेल क्या करता था, जो अपने क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम सेल्स की मेटाफेज प्लेट के ऊपर अप अरेंज होते थे इक्वेटर के ऊपर, और उसके बाद एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा होती थी, और टीलोफेज में आपने पढ़ा था कि जो टीलोफेज है ये रिवर्स होती है प्रोफेज की, कि जो अमल प्रोफेज में होता है, जो काम प्रोफेज में होता है टीलोफेज में उसके रिवर्स होते हैं। मतलब ये कि उसमें क्रोमेटिन से प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बने थे, तो यहाँ पर क्रोमोसोम से दोबारा क्या बनती है, क्रोमेटिन बनती है, और वहां पर स्पेंडल फाइबर बने थे तो यहाँ पर स्पेंडल फाइबर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद उसमें मैंने आपको मजीद दो चीजें बताई थी, दो सेल्स बताए थे, सोमेटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी को बनाते हैं, जबकि जर्मलाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो गैमेट्स को बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जो आपके पास सोमेटिक सेल्स थे उनमें माइटोसिस होती थी, जबकि जो आपके पास जर्मलाइन सेल थे उनके अंदर मियोसिस होती है। तो माइटोसिस को कंप्लीट करने के बाद उसकी आपने इंपॉर्टेंस के हवाले से स्टडी किया था, उसमें एरर्स के हवाले से स्टडी किया था। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने मियोसिस के हवाले से पढ़ना है कि मियोसिस क्या होती है और इसमें सेल के अंदर जो डिवीजन है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट मियोसिस है इससे मुराद ये कि स्मॉलर कि कोई भी चीज है, क्रोमोसोम्स की तादाद, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमोसोम की तादाद है वो हाफ रह जाती है, स्मॉल रह जाती है, किस चीज की निस्बत, पेरेंट की निस्बत। अगर इनके पेरेंट सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 23 रह जाएगी, जबकि माइटोसिस की निस्बत माइटोसिस में दो सेल्स बनते थे, जबकि मियोसिस के अंदर जो सेल्स हैं वो चार बनते हैं, चारों सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, हाफ होती है। तो मियोसिस की डेफिनेशन, मियोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल, कि एक डिप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड करता है और फोर हैप्लॉइड सेल बनाता है। डिप्लॉइड सेल से मुराद ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं, जबकि दूसरा आपके पास जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, हाफ होती है। डिप्लॉइड सेल का जैसे यहां पर लिखा गया है कि सेल्स इन व्हिच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, के ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर की सूरत में मौजूद है वो डिप्लॉइड है, जबकि हैप्लॉइड सेल द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, के ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, हाफ होती है, उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, हैप्लॉइड का नाम देते हैं। तो व्हाट मियोसिस है हमारे पास, ये लफ्ज मियोसिस से निकला गया है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसका मतलब क्या होता है, स्मॉलर। और मियोसिस को सबसे पहले ऑस्कर हार्टविक साइंटिस्ट ने 1876 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब मियोसिस के फेजेस है, इसमें तकरीबन आपके पास जिस तरह माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि माइटोसिस के अंदर भी आपके पास कितना, चार फेजेस थे, तो यहाँ पर भी आपके पास चार फेजेस हैं। पहला फेज जो है वो आपके पास प्रोफेज होता है, फिर आपके पास मेटाफेज आता है, फिर उसके बाद एनाफेज,
और उसके बाद क्या आती है, टेलोफेज आती है। तो आज हमने प्रोफेज को डिस्कस करना है, प्रोफेज वन को, मियोसिस वन है तो इसकी प्रोफेज वन को हमने डिस्कस करना है। प्रोफेज वन आपने याद रखना है कि ये मेटाफेज की प्रोफेज से लार्ज फेज होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती है, प्रोसेस हो रहे होते हैं मेटाफेज के प्रोफेज के बाद। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेज जिस तरह पहले लिखा गया है कि लॉन्गेस्ट फेज मियोसिस के अंदर ये सबसे बड़ा फेज होता है। इसमें चार किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक साइनाप्सिस होती है, बाइवेलेंट, टेट्रेड, क्यास्मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइनाप्सिस क्या होती है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में लाइनअप होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपस में लाइनअप हो रहे हैं। तो जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में लाइनअप होते हैं तो इस अमल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इस अमल को आप लोग नाम देते हैं साइनाप्सिस का। तो इस साइनाप्सिस में हमारे पास जो दो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, जो दो क्रोमोसोम्स आपस में लाइनअप हो रहे होते हैं उनको आप लोग नाम देते हैं बाइवेलेंट का। तो ये आपके पास एक वैलेंट हो गया, ये दूसरा, तो इसको आप लोग, क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं तो इस वजह से इनको आप लोग किसके नाम देते हैं, इनको आप लोग नाम देते हैं बाइवेलेंट। इनके यहाँ पर दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। मैंने आपको साइनाप्सिस बताया कि क्रोमोसोम्स लाइनअप होते हैं, उसके बाद बाइवेलेंट, ये दो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं तो इस वजह से इसको आप लोग बाइवेलेंट का नाम देते हैं। और तीसरे नंबर पर आपके पास टेट्रेड क्या होती है, कि टेट्रेड में आपने ये याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं इन क्रोमोसोम्स के चार क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो चार क्रोमैटिड होने की वजह से इसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, टेट्रेड का नाम देते हैं। जिस तरह लिखा गया है कि ईच पेयर है द फोर क्रोमैटिड्स, के हर पेयर के अंदर चार क्रोमैटिड्स होते हैं, तो इस वजह से इसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, टेट्रेड का नाम देते हैं। उसके बाद आप लोग के पास है क्यास्मेटा, कि क्यास्मेटा में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आप ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, के हर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जोड़ रहे हैं वो खास जगह के ऊपर एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिस तरह यहाँ पर अटैच है, तो इस जगह को आप लोग किसके नाम देते हैं, तो इस जगह को आप लोग क्यास्मेटा का नाम देते हैं। यहाँ पर भी ये दो क्रोमोसोम आपस में अटैच है तो इसको भी आप लोग किसके नाम देते हैं, क्यास्मेटा का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस आता है क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर में आपने याद रखना है कि ये वेरिएशन की बेस होती है, यानी कि जो वेरिएशन आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उन तमाम वेरिएशन की जो बेस होती है हमारे पास वो क्रॉसिंग ओवर ही होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में सेगमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अपने पार्ट्स का तबादला करते हैं। जिस तरह ये क्रोमोसोम्स है, अगर इसमें हम लोग क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करें, तो ये वाला क्रोमोसोम जो है ये अपने पार्ट्स देगा इस क्रोमोसोम को, और इस क्रोमोसोम के जो पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्या होंगे, अटैच होंगे। इनके इस वाले के जो पार्ट्स हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर, और इसके जो पार्ट हैं वो इसके ऊपर जब आकर अटैच होंगे तो इनके ये सेगमेंट्स का चेंज करेंगे, तो इस सेगमेंट्स के चेंज को आप लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। और क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है कि नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो जब नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आने वाली जनरेशन होती है उसके अंदर करेक्टर भी नई आती है। और आपने याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमेशा नए करेक्टर इस वजह से ले आती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से, माहौल के लिहाज से उसके अंदर मुताबिकत पैदा हो सके, वो उसके अंदर एडजस्ट कर सके। क्योंकि अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं आती तो वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो अगर वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाती तो उससे उसकी डेथ जो है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से वेरिएशन पैदा की जाती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, नई करेक्टर पैदा की जाती है, और ये नई करेक्टर पैदा होती है किस अमल के जरिए, क्रॉसिंग ओवर के अमल के जरिए ही पैदा होती है। तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो आपके पास प्रोफेज है मियोसिस की ये भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस मेटाफेज वाले प्रोफेज की तरह ही होते हैं, कि जैसे वहां पर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनते थे तो यहाँ पर भी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, यहाँ पर भी आपके पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी बनते हैं। तो इनमें कुछ प्रोसेस सिमिलर भी होते हैं, कुछ इसमें नए प्रोसेस भी होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइनाप्सिस का अमल होता है जो मेटाफेज के अंदर नहीं होता था, बाइवेलेंट जो ये भी मेटाफेज के अंदर, क्रॉसिंग ओवर होगी ये भी मेटाफेज के अंदर नहीं होती थी, तो ये नए प्रोसेस हैं जो मियोसिस के अंदर हो रहे होते हैं। तो इस तरह जो मियोसिस है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है और एक सेल को वो क्या करती है,
चार के अंदर डिवाइड कर देती है, लेकिन उनमें क्रोमोसोम की जो तादाद है वो क्या रहती है, उन चारों सेल्स के अंदर पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रहती है। तो ये आज आपका टॉपिक था, उम्मीद है कि ये आपका टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।